संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर स्थापना के 8 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल भंडारी एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर जो योजना क्रमांक 71 सेक्टर B देवी अहिल्या उद्यान में स्थित है, यह इसी क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। श्री संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर भक्त मंडल के संयोजक वीरेंद्र सिंह राठौर एवं सचिव राजेश बड़ावला ने बताया कि भक्त मंडल के किरण लाठी, निर्मला शर्मा, हिमा वर्मा, अशोक जैन, अनिल मक्कर, प्रदीप जोशी और जितेंद्र शर्मा सहित भक्त मंडल महिला मंडल द्वारा कई दिनों से तैयारी की जा रही है। इस मंदिर परिसर में वर्ष भर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, किंतु यह भंडारे का आयोजन स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रमुख होता है। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री कंप्यूटर बाबा ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। इसकी नंबर 71 सेक्टर बी का रहवासी हूँ। सेक्टर बी में देवी अहिल्या उद्यान में संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर बना है। यहाँ पर इस मंदिर को 9 वर्ष हो गए हैं और हर वर्ष यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया जाता है स्थापना दिवस पर। और सर्वप्रथम मूक बधिर बच्चे जो हमारा स्कूल 71 सेक्टर बी में मूक बधिर बच्चों का स्कूल है, ये मूक बधिर बच्चे आते हैं और यहाँ पर भोजन सर्वप्रथम वही करते हैं। करीब 400 से 500 बच्चों का वहाँ भोजन कराया जाता है और 9 से 10 हजार लोगों का यहाँ भंडारा होता है। इसके नंबर 71 सेक्टर बी में नहीं साहब, ये सार्वजनिक स्थल पर होता है, इसमें राजनीतिक दल का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो लोग इस राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी समिति के संरक्षक शंकर यादव जी हैं जो इस मंदिर के अंदर जिनका ज्यादा योगदान रहता है, हमारे लिए जो भी समस्याएं होती हैं वो शंकर यादव द्वारा पूर्ण रहती है। मंदिर का नाम संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर जी, इसमें शिव का क्या संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर नाम इसलिए रखा है कि शिव जी के 11वें अवतार हैं संकट मोचन हनुमान, इसलिए संकट मोचन हनुमान के साथ शिव जी का भी नाम जोड़ा गया है और शिव परिवार भी संकट मोचन हनुमान जी के साथ शिव परिवार भी स्थापित है।